तो इस तरह से है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप आकर के अफोर्ड नहीं कर सकते। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइए एंड डेफिनेटली आप वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं जो पहले के स्टूडेंट्स करते थे। थोड़ा चैलेंजिंग है, टास्क चैलेंजिंग है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइए। देखिए, शुरू के अगर आपने 2 साल आकर के यहाँ पर संघर्ष कर लिया और उस संघर्ष में अपने आप को फेल नहीं होने दिया, मेंटली स्ट्रांग रहे, फिजिकली स्ट्रांग रहे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, आप चाहे पीआर वीज़ा में आना चाहते हो और चाहे स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हो, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा आपको करके प्रिपरेशन करके आना चाहिए। एक, नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। यस, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, थैंक यू। तो देखिए, आज मित्रों फिर से हम हैरिस पार्क में हैं। वैसे तो हैरिस पार्क हमारा रोज़ का ही आना होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर हैरिस पार्क अपने रोज़ के काम के सिलसिले में नहीं आए हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, वैसे तो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और लास्ट ईयर वो जब आए थे सिडनी मीन्स इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा में आए हैं वो लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ऑफिस के बाहर से निकले तो देखा तो पहचान गए और उसके बाद में उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मेरे सारे वीडियोज़ के कि किस वीडियो में मैंने क्या बताया है, क्या दिखाया है। मेरी एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे, उसका नाम है माय लाइफ शब्दों में, लगभग 23-24 एपिसोड्स की, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के बारे में, हमारी अपनी लाइफ के बारे में जो पूरी जर्नी है वो बताया है। तो उनको एक एक एपिसोड्स के और सारे इंसिडेंट्स तक पता थे। बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका नाम है निहार जी, हमारे 2-4 वीडियोज़ में वो हैं भी। तो 2 हफ्ते पहले उन्होंने घर चेंज किया है, तो लास्ट वीक वो आए भी थे टैक्स करवाने पाणे जी से। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा हमारा, तो अगर आपको टैक्स करवाना है ऑस्ट्रेलिया में तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, चूँकि ये विषय था इसलिए याद आ गया। So this is the tax season now. If you want to lodge your tax return as soon as possible and need and want to get your tax refund back, so please contact me. Yes. कल हम शाम को उनके यहाँ डिनर पे गए थे, तो उन्होंने बताया कि ये हैरिस पार्क में, एल्बियन स्ट्रीट है हैरिस पार्क में, एल्बियन स्ट्रीट है हैरिस पार्क में, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक नया ढाबा खुला है, उसका नाम है मित्रा दा ढाबा, तो वहाँ ब्रेकफास्ट करने जाइए तो छोले भटूरे बोले आपको बिल्कुल दिल्ली वाला टेस्ट मिलेगा। तो ये सामने देखिए जो है, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं सुबह सुबह, तो ये है देखिए, अब हम एंटर हो रहे हैं। हाँ जी, पाव भाजी है, मटका कुलचा है, छोले भटूरे, आलू पूरी तरकारी, अच्छा, पराठे है, आलू गोभी पनीर न्यूट्री मूली, क्या स्पेशल है आपके यहाँ? सारा कुछ स्पेशल है। हाँ जी, आपकी वीडियो बन रही है यूट्यूब के लिए। चलो, तो ये देखिए सारे शेफ हैं यहाँ पर। और तो सबसे ज्यादा फेमस क्या है आपके यहाँ, मीन्स सबसे ज्यादा क्या ऑर्डर करते हैं लोग आपके यहाँ पे? प्यार। चलिए, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। अब थोड़े सा खाने के विषय में बताइए। छोले भटूरे। छोले भटूरे, जैसा मैंने कहा था, मुझे बताया भी गया है कि छोले भटूरे जो है बिल्कुल दिल्ली वाले टेस्ट होते हैं। और अभी मैं यहाँ पे जो लोग कुछ खा पी चुके होंगे मैं उनसे बात करूँगा। काफ़ी बड़ा स्टाफ है इनका, इट मीन्स कि ये काफ़ी अच्छा चल रहा है इसकी वजह से। इधर एक मशहूर जीजू जी हैं, इनकी मशहूर टिक्की भी है। ये विक्की जी, विक्की जी हैं, टिक्की जो है इनकी बड़ी मशहूर है। और आज हम खाते हैं और उसके बाद में हम बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। और एक बार आप आइए हैरिस पार्क, देखिए हैरिस पार्क में ये थोड़ा सा हिडन ट्रेजर है, मीन्स ये थोड़ा अंदर साइड में है, तो यहाँ ज़रूर आइएगा आप पता करके और आपको मज़ा आएगा। वैसे मुझे देख करके पूरी जो फीलिंग है वो दिल्ली वाली ही आ रही है। तो देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर एक फैमिली है जो अपने सरदार जी हैं, सरदार जी की फैमिली, तो इनसे पूछते हैं कि इनको कैसे लग रहे हैं यहाँ के, मतलब खाने का स्वाद कैसा है। तो बताइए मैडम, आपको कैसा लगा यहाँ पर? आप अपने यहाँ पर ट्राई क्या किया है अभी आज? अभी आज किया है चना भटूरा एंड आलू वाला परौठा, तो बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, हम इनके कस्टमर हैं पहले भी। और अच्छा, इसके पहले आपने ट्राई किया हुआ है यहाँ पे? अगर कोई यहाँ आता है तो वर्थ है, मोर देन सेटिस्फाइड। अगर भाई यहाँ से सर्टिफिकेट मिल गया। आपको माता जी कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 है आपको सर? बढ़िया। और अगर इनको यहाँ पर पसंद आया है तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। मेरी तो भाई एडवाइस है, खाना खाने के बाद में मैं भी बताऊंगा मेरी अपनी ओपिनियन क्या है। थैंक यू वेरी मच सरदार जी, थैंक यू, थैंक्स। क्या ऑर्डर किया? तो 2 छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल वाले और एक पाव भाजी अंशिका के डिमांड पे। अच्छा अच्छा, ये अलग ही चलती है। तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे। जगह अच्छी है, पूरा बढ़िया सीमेंटेड है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, ब्रेड पकौड़े इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमको दिया है और हम टेस्ट करके बताएंगे। 3 पीस हैं, 3 लोग हैं हम लोग, कि कैसा है टेस्ट। यहाँ पे खड़ो, अंशिका बोल रही सबसे छोटा वाला लेना है, ये हाथ में पकड़ो। बढ़िया बढ़िया मैडम जी, आप बताओ, लॉन्ग टाइम नो सेलिब्रेट खाने का।
भाई ब्रेड पकौड़े तो मैंने हरीश पार्क में और भी कई जगहों में खाए हैं, लेकिन इनके ब्रेड पकौड़े रियली बहुत टेस्टी हैं। कैसे हैं अंशिका? एकदम परफेक्ट, कमाल का स्वाद है। हाँ बहुत ही स्वादिष्ट है भाई, रियली टेस्टी। तो चटनी भी इनकी यार बहुत बढ़िया है ना, वो ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है। पांडे जी आई थी कि हमको भेज दिया आपने और अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन पांडे जी का तैयार हो गया है। लोग ये है पाव भाजी और ज़बरदस्त ढंग से ऊपर मक्खन पड़ा हुआ है और भाजी भी बहुत अच्छी लग रही है देख करके। अब टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है ना। और खूब सारा इन्होंने बटर डाला है और ऑफ कोर्स पाव भाजी में बटर का तो अपना आनंद ही अलग होता है। इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं ताकि वो मेल्ट होता रहे। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा स्वादिष्ट है ना, मज़ा आ गया ना। यहाँ से जाएंगे एक एक किलो वजन बढ़ा के जाएंगे। अच्छी चीज़ बहुत कम मिलती है वैसे यहाँ पे। ओहो रियली भाई पाव भाजी भी बहुत टेस्टी है। और हम तो मुंबई के हैं, पाव भाजी के बारे में तो हमसे बेहतर छोले भटूरे भी रेडी हैं। पाव भाजी बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया, स्वाद बहुत अच्छा है। ये आ गए आपके छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल वाले। वाओ, तो ये आ गए देखिए छोले भटूरे दिल्ली स्टाइल वाले। और इसमें सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, ये जो आपको मिलता है अचार, ये सचमुच दिल्ली में जैसे करोल बाग वगैरह में हमने खाया है बहुत बार। और ये उसके ऊपर जो कट करके आलू डाली है छोलों के ऊपर और जो प्याज है वो बिल्कुल वैसा ही है। और भटूरों का देख के पता चल रहा है कि ये थोड़े से डिफरेंट है जो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर तो अब क्या बताएं दूसरी जगहों का, लेकिन ये बिल्कुल दिल्ली स्टाइल के ही लग रहे हैं सीरियसली। तो हम खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा। मैं पहले जरा छोले भटूरे भी टेस्ट करूं। हाँ ज़बरदस्त, पाव भाजी भी नंबर वन और छोले भटूरे तो सीरियसली बहुत अच्छे हैं। अब बिल्कुल मॉर्निंग में आप आइए यहाँ 9 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सीरियसली हैरिस पार्क बहुत दिन से खाने पीने के लिए जाना जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये नॉर्थ इंडियन जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त मिला टेस्ट वाइज। और बंदे बड़े प्यारे हैं, सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन होता है ना कई बार कि खाना अच्छा है लेकिन लोगों की सर्विस और बात व्यवहार अगर उतना अच्छा ना हो तो भी डिसअपॉइंटिंग फील होता है। सारे बंदे इतने खुश मिजाज लोग हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। यू विल फील दैट मतलब दिल्ली में है या कहीं पंजाब साइड में है, ऐसा आपको लगेगा। ये थाली जो है 2 भटूरे चने भटूरे छोले भटूरे जो भी बोले आप इसको दिल्ली स्टाइल का, ये $12 का है। पाव भाजी 2 पाव और पाव का साइज भी अच्छा खासा है और भाजी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है। ये 13 का है और ये $12 का है ना। और ब्रेड पकौड़ा तो हमको फ्री में मिला था। भाई भाजी बहुत ज़बरदस्त है पाव भाजी में। ये भाजी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में दूसरी जगह कहीं मुझे इतनी अच्छी भाजी नहीं मिली। बिल्कुल मुंबई जैसी, मैं खुद चूंकि भाजी बनाता हूँ घर में, किसी दिन मैं पाव भाजी बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा। अमेजिंग पाव भाजी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा था सुबह सुबह पाव भाजी लेना ठीक रहेगा कि नहीं, बट वर्थ है। आप पाव भाजी भी सुबह ट्राई कर सकते हैं, मज़ा आ गया। ऊपर चांद से पसीना निकलने लगा।
So we had chole bhature in Mitra Dhaba in Harris Park and it was really yummy, too tasty. So if you want to try, please come in Harris Park, Mitra Dhaba. Do you know the chole bhature and the pav bhaji was amazing? It was really good because of the pav bhaji was spicy. The chole bhature had an aloo on top. I ate the aloo because I love aloos. मुझे 14 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए और यहाँ के लगभग सभी शहरों में, मेलबर्न हो, सिडनी हो, एडिलेड हो, पर्थ हो या ब्रिस्बेन हो, कैनबरा हो, लगभग सभी शहरों में खाना खाया हुआ है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, जो टेस्ट यहाँ पर इंडिया की सचमुच याद दिलाता है, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। और पाव भाजी में से भाजी जो थी वो तो यहाँ ऐसी कोई बनाता ही नहीं। मैं बॉम्बे से हूँ तो पाव भाजी का रियल टेस्ट तो हमें पता है ना, वहाँ भी खाते थे और मुझे मजा आ गया। इनकी पाव भाजी जबरदस्त थी। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मित्रों, इस समय हम आ गए हैं हार्वे नॉर्मन और यहाँ किस लिए आए हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाला था जब हम इस अपने हाउस में मूव हुए थे, तो हमने यहाँ से खरीदे थे 3 हीटर, एक था गैस का और एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक का था और एक दूसरा ये छोटा वाला खरीदा था। तो ये एक साल से तो ऊपर हो गए, मेरे ख्याल से 14-15 मंथ्स हो गए इसको खरीद करके। लेकिन इसमें जो दो कॉइल, पता नहीं वो जो रॉड जैसे लगी होती है, कॉइल बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, तो इसमें दो हैं पर एक नीचे वाली जो है तो वो नहीं जलती है, ऊपर वाली वजह जलती है, तो इसकी वजह से अब हीट कम हो गया है। वारंटी पीरियड में है। और वारंटी पीरियड में कितने दिन की वारंटी? 24 मंथ्स की वारंटी है। ऑलराइट, तो ये हम जा रहे हैं हार्वे नॉर्मन में चेंज करवाने, हम नया लेंगे। और यहाँ देख लीजिएगा, कोई इफ और बट नहीं होगा, बहुत आराम से चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं। लास्ट टाइम हमने वैक्यूम क्लीनर खरीदा था और वो भी एक साल लगभग हमने यूज़ किया था, लेकिन वारंटी पीरियड के अंदर ही वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो गए तो इमीडिएट उन्होंने उठा के नया दे दिया। तो यहाँ ये बड़ा अच्छा है, कस्टमर सर्विस यहाँ की बड़ी सेटिस्फैक्ट्री होती है। अब जा रहे हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का हार्वे नॉर्मन। फिर से आप देखिए, लास्ट ईयर हमने हालांकि वीडियो इसका बनाया हुआ है। ये देखिए एस्केलेटर भी है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं लिफ्ट से जाएं। हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में और ये देखो कितने सारी अंशिकाएं दिख रही हैं इधर से अगर देखें। हम लोग बिल्कुल बराबर जगह में आए हैं, ये है हार्वे नॉर्मन। इसमें कई जगहों में खाने पीने के लिए इस तरह से टी स्टॉल टाइप में लगे हुए हैं, जहाँ आप थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है मॉल कि आपको घूमते घूमते देखते सुनते काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको भूख लगती है, आपको थोड़ा चाय कॉफ़ी पीना है, तो आप पी सकते हैं। देखिए आइटम्स यहाँ पर बहुत कुछ हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, टीवी से रिलेटेड, वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, जो भी चाहिए आपको, और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं आपको। तो लास्ट ईयर हमने लिया यहाँ से था। कैशियर जो काउंटर है ये है, देखिए यहाँ पर लैपटॉप वगैरह जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं और आपको लगभग हर प्राइस में मिलेगा। ये देखिए कॉफ़ी बनाने की मशीनें हैं देखिए, और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, आर्ट जो देख रहे हैं, ये यहाँ की एबोरिजिनल्स आर्ट है, ये जो इनके ऊपर डेकोरेट की गई। तो एक हीटर, क्योंकि हालांकि अब तो बस एक महीने की सर्दी रह गई है, बट स्टिल हमको हीटर तो लेना पड़ेगा। अब गैस वाले कम हैं, इलेक्ट्रिक के ज़्यादा हैं, पर मुझे लगता है हमारा जो गैस वाला है वो ज़बरदस्त है। अगर रूम बंद कर दें तो हार्डली टेक्स 15 मिनट्स और उसके बाद में आपको हीटर बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम वार्म कर देता है हमारा जो लाउंज एरिया है। तो पांडे जी गई हैं हीटर के सेक्शन में और ये हम लोग स्पेशली यूज़ करते हैं जो हमारा डाइनिंग एरिया है, क्योंकि खाना ना खाने के टाइम पे या जनरली कभी कभी जो है किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बैठते हैं तो हीटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ देखिए सारे हीटर्स लगे हुए हैं, ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये है हमारे पास में, और ये वाला है जो हमने ये हो गया ख़राब हुआ है, इसमें ये वाला है, ये वाला देखिए अच्छा लग रहा है, क्यूट सा, ये है इलेक्ट्रिक का और ये जल भी रहा है इस वक्त, और अंदर तो काफ़ी अच्छी गर्मी है। भाई दुनिया जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है वैसे ही वैसे आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी देखने को, ख़रीदने को मार्केट में और ऐसे मॉल्स में कि पूछिए मत। तो हाँ, किसी ने हमसे पूछा है कि यहाँ जो है तो किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, तो भाई सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, पर जो मज़ेदार बात मैं बताऊँ, जब हम लोग आए थे आज से लगभग 14 साल पहले, तो फर्स्ट टाइम जो एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए,
क्योंकि देखिए इंडिया में तो हम लोगों का मतलब हम लोग देखते आए हैं कि मीन्स बचपन से लेकर के 23-24 साल की उम्र तक ही लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर कोई बड़ा कंपटीशन कर रहे हैं, CAVA कर रहे हैं, ISPCS की तैयारी कर रहे हैं, तो वो चलो ठीक है 25-26 साल या 28 साल की उम्र तक होता है। मेरे ख्याल से IAS का तो पहले 25 ईयर्स था, फिर बढ़ा के 28 ईयर्स कर दिया था कि उसके अंदर ही आपको क्रैक करना पड़ता है। एनीवेज, पर हमने अपने यहाँ पर इसी तरह के स्टूडेंट्स देखे थे। तो फर्स्ट टाइम मुझे एक कपल मिले एक दिन, तो ये देखिए चेंज करके हमारा नया आ गया। इसके लिए हमको कुछ भी पे नहीं करना है और ये काउंटर में जाकर उसका प्रोसेस करेंगे और 5 मिनट भी नहीं लगा। मैं आपको इस वीडियो में बात ही कर रहा हूँ और वो हमारा काम हो भी गया। तो यहाँ टाइम भी नहीं लगता है, कोई वेटिंग भी नहीं करनी पड़ती, कोई इफ और बट नहीं होता है, इमीडिएट जो है वो चीज़ों को क्लियर करके दे देते हैं। हमारे यहाँ ये हमने कई बार अनुभव किया है, अब का तो मुझे पता नहीं क्योंकि अब इंडिया भी बहुत एडवांस हो गया है। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि कभी कोई चीज़ अगर ख़राब निकल गई, कुछ हो गया और उसे वापस करना है तो थोड़ा सा तो डिस्कशन और कई बार बड़े क्या बोलें उनको एक्सप्लेनेशंस देने पड़ते थे। वो कुछ भी नहीं पूछा, एक सिंगल शब्द नहीं पूछा, उन्होंने सिस्टम में डाला, अपना बिल देखा और उसके बाद तुरंत लड़के निकाल करके जो हमको दे दिया। तो मैं बता रहा था कि वो जो कपल हमको मिले स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बताया कि हमने पूछा ऐसे जनरली जब क्या होता है शुरू में आते हैं, और एडिलेड में तो इंडियंस की उतनी ज़्यादा संख्या थी भी नहीं तब, अब तो काफ़ी हो गई है। तो मैंने पूछा कि भाई कौन से वीजा में हैं आज, तो उन्होंने बताया हम स्टूडेंट्स आए हैं, हमें भी लगभग 2.5 महीने हुए थे। तो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा क्योंकि वो लगभग 35-38 ईयर्स के कपल थे और उनके 2 बच्चे थे। तो मैंने कहा सीरियसली आप स्टूडेंट वीजा में आए, तो बोले हाँ हम स्टूडेंट वीजा में आए। तो मतलब कहने का ये है कि जिन्होंने मेरे सवाल किया कि किस तरह के यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन से लेकर के और किसी भी उम्र में आप स्टडी करने के लिए आ सकते हैं। लास्ट वीक एक सज्जन आए थे जो कि फिजी से हैं, फिजी इंडियन, फिजी में भी बहुत सारे इंडियंस हैं, तो उनकी एज जो है 52 साल की है, 52 ईयर्स के हैं, 21 साल के समथिंग उनका बेटा है और वो 52 साल के और उनकी वाइफ ये स्टडी वीज़ा में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है और आप किसी भी उम्र में अगर आप स्टडी वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हैं तो आएँ। हाँ, लेकिन ऑफकोर्स स्टूडेंट वीज़ा के बाद में जब आप PR कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो आपको अपने एज के नंबर्स मिलते हैं, तो वो खैर एक टेक्निकल पार्ट है। अगर आप वीज़ा वगैरह जहाँ से करवाते हैं उनसे डिस्कस कर लें या तो फिर इनकी वेबसाइट में जाकर के उस चीज़ को ले लें। लेकिन वो थोड़ा सा हमें जो है तो बड़ा अचरज हुआ था क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कोई 35-38 ईयर्स मैरिड विद 2 किड्स ऐसा कपल देख रहे थे जो यहाँ पर स्टडी के लिए आए थे। ऑफकोर्स उनका भी पर्पज़ यही था कि स्टडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में PR वगैरह लगाएंगे, और उस टाइम पे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया काफ़ी शुरू से ही जो है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इतना इजी नहीं है, और अभी भी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ में लोग जाते हैं माइग्रेट होकर के तो लगभग सभी जगहों में जो है तो काफ़ी उनके चैलेंजेस होते हैं, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं चीज़ें जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को। ऑस्ट्रेलिया उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री है इस मामले में, तो वो लोग कर लेते हैं। तो आजकल भी स्टूडेंट सभी उम्र के आते हैं, जिस फील्ड में आप पढ़ने आ रहे हैं उसका PR के लिए कितना स्कोप है और उम्र के हिसाब से आपको कितने बैंड्स वगैरह मिलेंगे, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो सारी चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो भाई मुझे लगता है मैंने आपको जवाब दे दिया वो स्टडी वीज़ा के लिए। पर हाँ, यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ मेंशन करूँगा कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और पिछले 5 से 6 महीने में यहाँ पर रेंटल प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं, अपार्टमेंट्स की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। देखिए हमारी भी एक यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हैरिस पार्क में ही हमारा एक अपार्टमेंट है, अभी पिछले महीने ही हमने भी उसमें जो है तो किराया बढ़ाया है, चूँकि हमारा सब कुछ भी सबका खर्चा बढ़ गया है यहाँ पर। ये देखिए जो है हमको मिल गया हीटर नया, अब इसको हम शाम को जाके लगाएंगे क्योंकि गाड़ी हम पार्क करेंगे हैरिस पार्क में और उसके बाद में हम पकड़ेंगे ट्रेन, और जहां हम आपको लेकर के चलने वाले हैं आज वहां जाने के लिए हमें ट्रेन से ही जाना पड़ेगा, तो बने रहिएगा साथ में। तो इस तरह से है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा स्ट्रगल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप आकर के अफोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइए एंड डेफिनेटली आप वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं जो पहले के स्टूडेंट्स करते थे। थोड़ा चैलेंजिंग है, टास्क चैलेंजिंग है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर के आइए। देखिए शुरू के अगर आपने 2 साल आकर के यहाँ पर संघर्ष कर लिया और उस संघर्ष में अपने आप को फेल नहीं होने दिया, मेंटली स्ट्रांग रहे, फिजिकली स्ट्रांग रहे, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, आप चाहे PR वीज़ा में आना चाहते हो और चाहे स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हो, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा आपको करके प्रिपरेशन करके आना चाहिए। एक, आप घर के काम शुरू कर दें, आप चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, मेल हों फीमेल हों, आपको घर के काम वगैरह करने शुरू कर देने चाहिए, खाना बनाने से लेकर के क्लीनिंग तक का काम करना चाहिए और 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की डेली
वॉक शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में सारे काम आपको अपने हाथों से करने पड़ते हैं। आप भले ही हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वाइफ करती रहे और हस्बैंड एकदम आराम से सोफे में बैठे रहें। यहाँ अगर दोनों लोग मिल करके काम नहीं करते हैं तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इसके लिए, और मेहनत करने का काफ़ी चलना फिरना, और यहाँ पर जो भी वर्क मिलेगा उसमें मेहनत होगी। मैं आगे एक चीज़ और आपको बता दूँ, देखिए पंजाब हरियाणा गुजरात इन कई स्टेट्स के देहात से भी काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ज़्यादा डिफिकल्टीज इसलिए नहीं होती, उनकी इंग्लिश वगैरह में हो सकता है थोड़े चैलेंजेस होते हों, उनको डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन जब उनको वर्क करना होता है मेहनत करना होता है तो वो लोग बहुत ईजिली सब चीज़ें कर पाते हैं, और वो मतलब 14-14, 15-15 घंटे जो है काम कर लेते हैं। हालाँकि ऑफिशियल जो है तो स्टूडेंट्स को कितना 24 घंटे ही अलाउड, पहले 20 घंटे था, फिर कोरोना टाइम में बढ़ा करके फुल टाइम कर दिया था, और अभी फिर से जो है तो 24 घंटे का कर दिया है गवर्नमेंट ने कि स्टूडेंट उतना ही काम करता है। अब यहाँ फ़ायदा कब होता है, जब शादीशुदा लोग आते हैं एज ए कपल, आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं तो एक व्यक्ति पार्टनर आपका या तो हस्बैंड या वाइफ, इनमें से कोई एक स्टूडेंट होता है तो स्पाउस को यानी जो दूसरा पार्टनर है उसको फुल टाइम वर्किंग आवर्स मिलते हैं, वो कितना भी काम कर सकते हैं 40 घंटे, वैसे 38 आवर्स जो होते हैं 37.5 घंटे ऑफिशियल फुल टाइम माना जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का क्योंकि उनको पढ़ना भी होता है और बाकी चीज़ें भी हैं तो उनके लिए 24 आवर्स का ही केवल वीक में वर्किंग टाइम पीरियड मिलता है। तो अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं तो फिर आपके लिए सर्वाइवल थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बिकॉज आपके पार्टनर को फुल टाइम, जैसे हमारे मित्र हैं जहाँ कल हम गए थे नीरज निहार जी, तो अब निहार जी को फुल टाइम जॉब है, वो तो खैर काफ़ी अच्छी जॉब है उनकी, तो काफ़ी अच्छा उनका पैकेज वगैरह है। तो इस तरह से अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर द्वार खुले हुए हैं और आप कोशिश करके आ सकते हैं। आइए, बिल्कुल मेहनत करने के जज्बात के साथ में आइए और सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं, बस आप डिस्ट्रैक्ट ना हों और कमज़ोर ना पड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और देखिए आज हम कहाँ आपको लेकर के चलने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग बैठ गए ट्रेन में और हम लोग उतरेंगे विनियार्ड, है ना। कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स। फास्ट है कि स्लो है? नहीं, उसमें स्टेशन नहीं लिख के आएंगे।